संसद में बढ़ते अवरोध, बैठकों के घटते दिन और सांसदों की गैरहाजिरी जैसे मुद्दों को लेकर राज्यसभा में बेहद सार्थक चर्चा देखने को मिली। ये चर्चा दरअसल सांसद नरेश गुजराल की ओर से लाए गए गैर सरकारी विधेयक संसद उत्पादकता में वृद्धि विधेयक 2017 पर हुई। विधेयक में प्रावधान है कि संसद की कार्यवाही को न्यूनतम निर्धारित दिनों तक चलाने को बाध्यकारी बनाया जाए। इसके साथ ही मौजूदा 3 सत्रों के अलावा विशेष सत्र का भी प्रावधान हो। चर्चा के दौरान ये भी मांग उठी कि सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम दिनों की संख्या 120 दिन निर्धारित की जाए। राज्यसभा में शुक्रवार को गैर सरकारी विधेयक संसद उत्पादकता में वृद्धि विधेयक 2017 पर चर्चा हुई। विधेयक लाने वाले सांसद नरेश गुजराल ने कहा कि संसद में अवरोध बढ़ रहा है, बैठकें कम हो रही हैं, इसलिए संसद की अतिरिक्त बैठकों का प्रावधान होना चाहिए। चर्चा के दौरान सभी सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया। इसके अलावा अवरोध के खिलाफ कड़े प्रावधान किए जाने की मांग भी उठी। सांसदों ने छोटे दलों को बोलने के लिए कम समय दिए जाने, संसद से लेकर स्थायी समिति की बैठकों में सांसदों की गैर हाजिरी पर भी चिंता जाहिर की। Have a system of special sessions, and I am glad that the honorable member has made it part of the bill. We must have a 15-day session in a year in which no government business is transacted. कि कम से कम 100 दिन राज्यसभा चलेगी, लेकिन जिस तरह से पिछले वर्षों में देखा गया है, ये अवधि निरंतर घटती चली जा रही, इस पर सभी माननीय सदस्यों को चिंतित होना स्वाभाविक है। Disruption को हमें अवॉइड करना है। डिसरप्शन ने डेमोक्रेसी की आत्मा को, मैं समझता हूं कि काफी हद तक उसको लील लिया है। कि हम चेयर को अधिकार इंट्रस्ट करें, जो वेस्टर्न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वहां के चेयरमैन को है, कि अगर हम एक अनुशासन से आगे जाते हैं तो उनको ये अधिकार है कि उस पर कार्रवाई कर सकें। संसद उत्पादकता में वृद्धि विधेयक 2017 पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। धन्यवाद। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।